राजधानी रांची के प्रदेश भाजपा कार्यालय में नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी के द्वारा एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया गया। इस संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से विगत 21 और 22 सितंबर को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा आयोजित किए गए सीजीएल एग्जाम के प्रश्न पत्र लीक का सबूत छात्रों के पास होने की बात कही गई एवं धांधली होने का आरोप लगाया गया। बता दें, नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने कहा कि इस सरकार के कारण देश की संप्रभुता खतरे पर पड़ गई है, वहीं राज्य के युवाओं के साथ सरकार ने खिलवाड़ किया है। झारखंड उच्च न्यायालय ने इस सरकार को फ्रॉड कहकर संबोधित किया है। भाजपा ने हमेशा कहा है कि यह सरकार झूठ बोलकर सत्ता में आई है। जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा में बड़े बड़े दाव किए गए, बावजूद इसके सरकार ने नौकरी को बेचने का काम किया। वहीं जिस किसी ने भी इसका विरोध किया उसको स्थानीय प्रशासन से मिलकर डराने धमकाने का काम किया गया है। इस सरकार ने परीक्षा के नाम पर पूरे राज्य का नेट बंद कर दिया और कहा कि आसाम की तर्ज पर यह काम किया गया है, जबकि आसाम सरकार ने परीक्षा से काफी पहले सूचना देकर नेट बंद कर दिया था। इस सरकार ने रात के 2 बजे से नेट बंद कर दिया ताकि इनके लोग रात में ही प्रश्न पत्र बांटने का काम कर सके। उन्होंने कहा कि 2019, 2022 और 2024 की परीक्षा के कई सारे प्रश्नों को दोहराया गया है। आज झारखंड की बदनामी पूरे देश में हो रही है और पूरे देश झारखंड की काबिलियत पर प्रश्न उठा रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि कमी सरकार में है। छात्रों को परीक्षा से पहले ही उत्तर छात्रों के हाथ में आ गए थे। छात्र पर सरकार का दबाव ज्यादा है, इसलिए छात्र डरे हुए हैं। भाजपा ने इस गड़बड़ी को प्रमुखता के साथ उठाया है। सीजीएल की परीक्षा की मैं बात कह रहा हूँ, माननीय कोर्ट ने इस सरकार को फ्रॉड कह करके संबोधित किया। तो जो भारतीय जनता पार्टी जो बात कह रही थी कि यह महा ठग सरकार है और इसने ठग करके 2019 में सरकार बनाई थी और इस सरकार को बनाने के लिए जो इन्होंने सबसे बड़ा ठग विद्या लागू किया था या उनके चपेटे में लिया था, वो थे झारखंड के युवा। इनको कहा था कि 5 लाख सरकारी नौकरी हम देंगे और नहीं दे पाए तो 5,000-7,000 बेरोजगारी का भत्ता देंगे। सीजीएल की परीक्षाएं हुई, बहुत दावे किए गए, बड़े बड़े विज्ञापनों के माध्यम से वो तमाम कोशिशें की गई कि जो उनका सगल है, जो उनका काम है इस सरकार का नौकरी बेचने का, उस काम को अगर कोई बाधा पहुंचाए तो उन्हें डराया धमकाया। और भी इस प्रशासन के माध्यम से, स्थानीय प्रशासन के माध्यम से हम कैसे उनको डराए धमकाए, उसके लिए सारी जुगत लगाई। आपने देखा होगा किस तरह से नेट को बंद करके कहा कि आसाम का हम लोगों ने लिया है, आसाम से लिया है। अच्छी बात है, आसाम से आपने लिया, लेकिन आसाम सरकार ने परीक्षा को ठीक कराने के नियत के साथ परीक्षाएं आयोजित की थी, इसलिए एक सप्ताह पहले उन्होंने बता दिया था कि फलाना डेट के अंदर हमारे नेट की सुविधाएं बंद रहेगी, इतना बजे से इतना बजे तक बंद रहेगी। इसलिए किसी नागरिक को या कोई जरूरी कार्य को वो चाहे किसी भी इमरजेंसी काम को किसी प्रकार का बाधा नहीं पहुंच सके, ये नियत होता है। जब नियत साफ होता है किस तरह के निर्णय लिए जाते हैं। अचानक से 24 घंटे भी नहीं 18 घंटे पहले आपको एक नोटिस जारी कर देते हैं सरकार के रूप में तुगलकी फरमान। जिस तरह से तुगलकी फरमान के कारण 18 युवाओं ने दौड़ करके अपनी जाने गंवा दी, उसी तरह से तुगलकी फरमान इन्होंने जारी कर दिया कि नेट की सेवाएं बंद रहेगी, क्योंकि आप फ्री एंड फेयर एग्जाम लेना चाहते हैं।